कटिहार में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। वैश्विक महामारी कोविड 19 में बंद हुई कटिहार तेलतर रेल सेवा को एक लंबे समय अंतराल के बाद खोल दिया गया है। कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और कटिहार रेल डिवीजन के DRM चौधरी विजय कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखा शुरुआत की। इस मौके पर सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि कटिहार के तेलता के बीच रेल सेवा एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल सेवा है, क्योंकि कटिहार के तेलता इलाका पश्चिम बंगाल की सरहदी इलाका है और यहां से पश्चिम बंगाल का दालकोला काफी पास है। साथ ही इस इलाके के लोगों को कटिहार जिला मुख्यालय आने के लिए ट्रेन आवागमन एक सबसे सुविधाजनक साधन है। आज के इस ऐतिहासिक क्षण में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कोरोना काल के बाद लोगों का बहुत बड़ा डिमांड था कि 75-51 जो पैसेंजर ट्रेन है कटिहार तेलता और अधिकापुर चले, और आज ये ट्रेन चल रही है। मैं भारतीय रेल को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और खास करके DRM साहब को कि स्वयं आकर के मेरे साथ इस रेल का परिचालन किए हैं। अभी इस ट्रेन से हम लोग जाएंगे राधिकापुर और राधिकापुर से भी इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। तो ये खास करके कटिहार डिवीजन रेल यात्रियों के लिए बहुत खुशी की बात है, और खास करके मेरा तेलता बांसोई रायगंज कचना यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राधिकापुर सेक्शन की और गाड़ियों के परिचालन की भी शुरुआत की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।